रखी हुई है विश्व की सबसे बड़ी बंसी, जिसकी लंबाई लगभग 22 फुट है। इधर ये देखिए विश्व का की सबसे बड़ी तलवार, विश्व की सबसे बड़ी बंसी कही जाती है। कैसे पता? ये पीलीभीत उत्तर प्रदेश से बन के आया है। ये है विश्व का सबसे बड़ा तलवार। मैं हूँ एसपी पांडे, आप देख रहे हैं सच 24 इंडिया। मित्रों, इस समय हमारी टीम अयोध्या के कार सेवक में पुरम में मौजूद है। जहाँ तक आप लोग देख पा रहे होंगे, ये यहाँ पर रखी हुई है विश्व की सबसे बड़ी बंसी, जिसकी लंबाई लगभग 22 फुट है। और जहाँ तक आप लोग देख पा रहे होंगे, इधर ये देखिए विश्व का की सबसे बड़ी तलवार यहाँ पे रखी हुई है। ये दोनों चीजें किसी श्रद्धालु द्वारा डोनेट की गई है। आइए अभी महाराज जी से हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि ये बंसी कहाँ से आई हुई है और किस श्रद्धालु द्वारा इसे डोनेट किया गया है। इसी तरह ये भारी भरकम तलवार कहाँ से आया हुआ है और इसे किस व्यक्ति व संस्था द्वारा डोनेट किया गया है। आइए हमारे साथ बने रहिए। आइए जहां तक आप लोग देख पा रहे होंगे, देखिए ये है विश्व की सबसे बड़ी सबसे बड़ा तलवार। और जहां तक आप लोग देख पा रहे होंगे, ये है विश्व की सबसे बड़ी बंसी, जिसकी लंबाई 22 फुट है और तलवार का वजन कितना है? 80 किलो। हाँ महाराज जी, आपका परिचय? रामफल प्रजापति, गायत्री नगर, बहराइच, उत्तर प्रदेश, 40 साल पिता। तो महाराज जी, ये बंसी विश्व की सबसे बड़ी बंसी है? हाँ, ये विश्व की सबसे बड़ी बंसी कही जाती है। कैसे पता? ये पीलीभीत उत्तर प्रदेश से बन के आया है। बनाने वाले का नाम समर्पित किया है जिन्होंने, पहले में समर्पित। हाँ, जहाँ तक आप लोग देख पा रहे होंगे, देखिए ये विश्व की सबसे बड़ी बांसुरी अयोध्या धाम प्रभु राम लला के चरणों में समर्पित विश्व हिंदू परिषद एवं समाज विचार परिषद पीलीभीत द्वारा इसे डोनेट किया गया है। और महाराज जी, ये तलवार कहाँ? ये तलवार महाराष्ट्र से आया है, उसका भी बोर्ड में सब लिखा हुआ है। उसे आप कहाँ बोर्ड लगा है? वो बोर्ड लगा अंदर जाकर दिया। देखिए अभी हम आपको दिखा रहे हैं, अरे महाराज तो अरे जूता पहन। हाँ, जहां तक आप लोग देख पा रहे होंगे, देखिए ये है विश्व की सबसे बड़ी बंसी और ये है विश्व का सबसे बड़ा तलवार। देखिए इसमें लिखा हुआ है, एक समय भगवान ब्रह्मा ने सुमेरु पर्वत के शिखर पर आकाश खंड के किनारे एक यज्ञ किया था। उन्होंने उस यज्ञ में उपस्थित हुए लौह दैत्य को देखा। उसे देखकर वह इस चिंता में डूब गए कि यह मेरे यज्ञ में विघ्न रूप न हो जाए। उनके चिंतन करते ही अग्नि से एक महाबलवान पुरुष प्रकट हुआ और उसके भगवान की ब्रह्म की वंदना की। तदनंतर देवताओं ने प्रसन्न होकर उसका अभिनंदन किया। इस अभिनंदन के कारण ही वह नंदक कहलाया और खट रूप में हो गया। देवताओं के अनुरोध करने पर भगवान श्री हर ने उस नंदक खट को निजी आयुध रूप में ग्रहण किया। देखिए नीचे लिखा हुआ है, नंदन खड श्री सीताराम चंद्राभ्याम नमः। ये दिनांक 22 जनवरी 2024 को डोनेट किया गया है। बस आज यही तक सच 24 इंडिया के लिए एसपी पांडे की रिपोर्ट।